हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन। दोस्तों, हर एक स्टूडेंट के माइंड में एक फियर होता है अपने एग्जाम्स को लेकर, चाहे वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, एवरेज हो या लो हो। पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपको 5 ऐसे टिप्स देने वाले हैं जिससे आप अपने एग्जाम्स के फेयर को अपने माइंड के कॉर्नर से निकालकर बाहर फेंक दोगे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और यहाँ पे दोस्तों, हम लोग के एग्जाम के ज़्यादा दिन बचा नहीं है कि हम लोग हार्ड वर्क करें। अब हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है और स्मार्ट तरीके से पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम को हम अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और जो हमारा पहला टिप है वो है बिलीव इन योर सेल्फ। दोस्तों, आपको इस 1 and 1/2 मंथ में आपको अपना 100% देना है। आपने पिछले साल जो भी किया हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, अब यहाँ पे उसका कोई मायने नहीं है। क्योंकि अब 1 and 1/2 मंथ जो पढ़ लिया है वो रिवीजन कर सकते हैं अच्छी तरीका से, नए तरीका से, ताकि जो उनका पढ़ा हुआ चीज़ है वो तो रहे और साथ में कुछ अलग चीज़ भी वो रिवाइज करे, जिससे एग्ज़ाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को वो एक अलग नज़रिए से देख के उसे अटेम्प्ट कर पाए और बाकियों सबसे अलग अटेम्प्ट करे, ताकि एग्ज़ामिनर जब चेक करे तो वो बोले कि हाँ, इस बच्चे ने समझ के लिखा और अपनी तरीक़ा से लिखा है और आपको उसमें फुल मार्क्स मिले। दोस्तों, अब 1 and 1/2 मंथ बचा है, आपने पिछले साल जो भी किया है उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। क्योंकि अगर आप पिछले साल पे या बीते हुए कल पे अगर आप ध्यान दोगे, तो आपका जो आज आप जिस एग्ज़ाम पे फोकस करने वाले, जिसके लिए आप पढ़ने वाले, वो आपका वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आपका जो फोकस है वो एग्ज़ाम्स को लेके नहीं रहेगा, आपके पढ़ाई को लेके नहीं रहेगा, आपका फोकस आपके पास्ट को लेके रहेगा कि आपने क्या गलती की है, कि आज मैंने नहीं पढ़ा जिसके कारण आज मुझे ये दिन देखना है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको टेंशन करने की बात नहीं है। आप क्या कीजिएगा, आपके जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, आप उसे जुगाड़ कीजिए। 2-3 साल पहले की टेस्ट पेपर खरीदे, उसमें क्वेश्चंस पेपर देखे, जो क्वेश्चन आपके चैप्टर में से आ गया है अब वो इस साल नहीं आने वाला। 2 साल पहले का क्वेश्चन या फिर पिछले साल पहले का क्वेश्चन वो अब आएगा नहीं। आप चैप्टर खोले, उसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखे, उसे टिक करके साइड कर दें, क्योंकि अब हमें वो सब नहीं पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग पास कम टाइम बचा, अब हम लोग को इतना ही पढ़ना है कि हम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो अब क्या करना है, यहाँ पे स्मार्ट इस तरीके से आपको स्टडी करना है। वो कैसे, आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखोगे, उसमें जो क्वेश्चन आ गए हैं आपके चैप्टर सबसे, उसे साइड कर देना है। और आप अब चैप्टर पढ़ना है एक बार, और आपको देखना है कि आपको क्या लगता है कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किस तरीके से पिछले साल एग्ज़ाम गिरा और इस साल भी गिर सकता है, आपको वो देखना है और आपको उसी तरीका से पढ़ना है दोस्तों। क्योंकि अगर आप उस तरीका से पढ़ पाओगे तो आप उसी में से, उसी के अंदर में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाला है और आप उसे क्लियर करके आओगे। दोस्तों, एग्ज़ाम में क्लियर करना है आपको, एग्ज़ाम को मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम को कंप्लीट करना है, अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, उसके लिए पढ़ना है। क्योंकि अगर आप अपना 100% देते हो और एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हो ना दोस्तों, आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, ये थी कि आपको यहाँ पे बिलीव इन योर सेल्फ, अपने पर भरोसा रखना और अपना 100% देना अपने पास्ट को भुला के अब इस कुछ महीनों में। अब चलिए दोस्तों, हम लोग सेकेंड टिप्स की ओर अपना बढ़ते हैं। और ये टिप आप अच्छी तरीके से दोस्तों सुनिएगा, क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाला है। टिप नंबर 2, स्किल ऑफ रिविज़न एंड राइटिंग। दोस्तों, आपके मन में डाउट हुआ होगा कि है क्या ये नया चीज़ है क्या, तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि आप मार्क्स कैसे गेन करना है। दोस्तों, यहाँ रिवीजन से हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, इसलिए 2 पार्ट है, रिवीजन और राइटिंग। दोस्तों, आपने अब जो पढ़ चुके हैं उसे अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, आपने जो नहीं पढ़ा है उसे पढ़ना है। दोस्तों, यहाँ पर पहला मोटिव होगा हम लोग को एग्ज़ाम को पास करना, क्योंकि पास हो जाओगे अच्छे मार्क्स के लिए फिर फाइट कर पाओगे। यहाँ पे आप पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को आपको रिवाइज करना अच्छी तरीके से, उसे हर दिन रिवाइज करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को हर दिन आप अगर एक बार भी रिवाइज करते हो ना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सारे पढ़ते हो, तो आपके एग्जाम दिनों तक वो आपको इतनी कंठस्थ याद हो जाने वाले हैं दोस्तों कि आप भूलोगे बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करना है, आपको पहले शॉर्ट क्वेश्चन पर अपना ध्यान देना ताकि आप पास हो सको। दूसरा दोस्तों, मार्क्स आप कैसे गेन करना है, उस मार्क्स पासिंग मार्क्स को कैसे हम लोग हाइस्ट मार्क्स में अपना बदलना है। तो दोस्तों, उसके लिए क्या करना है, आपने जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं, याद किए हैं, उसे थॉरली पढ़ना है। और
अपने दिमाग को उसमें यूज करना है और उस क्वेश्चन के आंसर को ऐसा लिखना है कि वो पॉइंट बाय पॉइंट आपका है, यानी कि आपको उस आंसर को पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है ताकि एग्जामिनर एक नज़र में देखे और उसे समझ में आए और वो आपको उसमें पूरा मार्क्स दें। दोस्तों आप जानते हो कि पैराग्राफ चेंज करके क्यों लिखा जाता है, अलग अलग चीज़ अलग अलग टॉपिक है तो पैराग्राफ थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। इसी तरीके से हम लोग को यहाँ क्या करना है, जो हमारा आंसर है उसे लाइन बाय लाइन नहीं लिखेंगे, उसे एक पेज में लिखना। अगर हम लोग का 5 मार्क्स का है तो हम लोग क्यों उसको पूरा एक पैरा क्यों लिख रहे हैं, हो सकता है वो पैरा पर कुछ में हमको 4 दे, पर अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हो ना आंसर को तो आपको उसमें पूरे 5 मिलेंगे। दोस्तों आपको 5 मार्क्स मिले, आप कम से कम 7 पॉइंट लिखिए, आपका 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है, पर आपको वहाँ पे पैराग्राफ में नहीं अपने दिमाग को थोड़ा यूज़ करना है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, यानी उस क्वेश्चन के आंसर को आपको पॉइंट्स में बदल देना है और उसे लिख देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक हम लोग का सेकेंड टिप, अब चलिए थर्ड टिप्स की ओर आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर 3, गुड हैंड राइटिंग एंड नीट एंड क्लीन। दोस्तों एग्ज़ाम को सिर्फ लिखना, एग्ज़ाम के पेपर को भरना काफ़ी नहीं है, सही लिखने के साथ साथ हैंड राइटिंग को भी अच्छा लिख बनाना है। क्यों, अगर मान लीजिए एग्जामिनर का मूड आपको पूरा मार्क्स देने का नहीं है, पर अगर आप साफ सुथरा नीट एंड क्लीन लिखते हो ना तो आपको पूरा मार्क्स उसमें दे के ही जाएगा। मान लीजिए दोस्तों मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आप खुद मुझे जज करके बताइएगा आप किसे पूरा मार्क्स दोगे। मान लीजिए यहाँ पे मैं हूँ एक बंदा और एक कोई और है, मैंने और उसने दोनों सेम लिखा है, पर मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है और उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, आप बताइए दोस्तों आप किसे पूरा मार्क्स दोगे, मुझे या उसे। मेरी हैंड राइटिंग मैंने लिख दिया सही पर समझ में आ नहीं रही है, मेरी अल्फ़ाबेट इधर उधर जा रही है, मैंने जो स्पेस है 2 वर्ड के बीच का वो सही नहीं है और उसका साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन सारा कुछ करेक्ट हैंड राइटिंग में, तो आप किसे मार्क्स दोगे, जाहिर सी बात है आप उसे दोगे क्योंकि वो बेस्ट है। यही चीज़ एग्जामिनर भी आपको देखेगा, अगर आप साफ सुथरा लिखते हो, आप एक वर्ड लिखो उसके बीच एक फिंगर गैप दीजिए, कोशिश कीजिए हैंड राइटिंग को नीट एंड क्लीन लिखने का। ज़रूरी नहीं आपको पूरे सुंदर हैंड राइटिंग से वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको हैंड राइटिंग बैठाना है, नहीं, आपको वहाँ साफ सुथरा लिखना है कि वो पढ़ सके और उसे देखने में अच्छा लगे। 1 फिंगर गैप देना है हर वर्ड के बीच में, ठीक है, पेज को नीट एंड क्लीन, मार्जिन सही से ड्रॉ करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देखने से भी पेपर बहुत ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन बढ़ता है और देखने में खूबसूरत भी लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस पॉइंट में हम लोग का क्या मेन मोटिव, पेज को साफ सुथरा रखना, अच्छी से लिखना और गैप दे के लिखना 1 फिंगर हर एक वर्ड में, ताकि एग्जामिनर को वो देखने में अच्छा लगे और उसे वो अट्रैक्ट करे आपके हैंड राइटिंग, ताकि वो आपको पूरे मार्क्स दे। तो दोस्तों मैंने 3 टिप्स बताए हैं और मैं 2 टिप्स आपको बताने वाला हूँ, आप वीडियो में बने रहे दोस्तों, और मैं फिर से करता हूँ, आप प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगा कि चलिए जो मेरे टिप्स हैं वो आप लोगों को पसंद आ रही है। तो चलिए दोस्तों आप टिप नंबर 4 पर चलते हैं और आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। टिप नंबर 4, वे ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। दोस्तों जब आपको एग्ज़ाम में 15 मिनट आपके क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए मिले, तब आपको क्वेश्चन पेपर आपका बिल्कुल भी रीड नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है उसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं आते हो जिसके कारण से आप एग्ज़ाम के पहले ही टेंस्ड हो जाओगे, इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी रीड नहीं करना, आपको रिलैक्स होकर आराम से वहाँ पर बैठना है। जब आपके 15 मिनट्स कम्प्लीट होते हैं तब आपको आपका पहला क्वेश्चन देखना है, उसे सॉल्व करना है, उसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को ही एक एक करके देखना है और सॉल्व करना है। मान लीजिए आपने 1 नंबर सॉल्व किया, 2 नंबर सॉल्व किया, 3 सॉल्व किया, 4 सॉल्व किया, और आपको 5 जो आंसर है वो आपको नहीं आता है, आप क्या कीजिएगा, उसको ट्राई नहीं करना है उस समय, उसे छोड़ देना और 6 नंबर में आ जाना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में टाइम का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप 6 नंबर क्वेश्चन को आपको क्लियर करना है, और मान लीजिए 6 किया 7 किया 12 नहीं आता, 12 भी छोड़ दीजिए, जो आ रहा है आपको एक क्वेश्चन को देखना है और सॉल्व करना है, इसी बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, देखना है क्वेश्चन, पढ़ना है, सॉल्व करना, उसके बाद जब लास्ट में आपको टाइम बचता है तो जो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए उसे अब आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन से रिलेट करते हुए आंसर को उस जगह पे लिखना है,
क्योंकि दोस्तों हम लोग को यहाँ पे आंसर सिर्फ कोई ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि अगर आप लिखते हो तो हो सकता है आपकी वो आंसर सही हो जाए, आपको उसमें एक मार्क्स हाफ मार्क्स जो भी उसके देने की एग्जामिनर की इच्छा हुआ आपको दे दे, पर अगर आप ब्लैंक छोड़ के आते हो तो आपको उसमें कोई मार्क्स नहीं देगा, जीरो देगा। और ये बोर्ड एग्ज़ाम में आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, अगर आप गलती बनाते हो तो आपको छोड़ना ही नहीं है, आपको सारे आंसर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है दोस्त, अब टिप नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर 5, नो मोर डिस्कशन। दोस्तों इस टिप का टाइटल का मैं मतलब बताता हूँ, आप एग्ज़ाम हॉल से निकलते हो, आप सीधा अपने दोस्तों साथ चले जाते हो डिस्कशन पे कि मैंने इतना आंसर बनाया, ये लिखा, तुमने क्या लिखा, तुम मुझे बताओ। हो सकता है दोस्तों आपने सही लिखा हो आंसर और आपने उस आंसर में थोड़ा सा कुछ चूक कर दिया हो, जो आपके दोस्तों आपको बोले कि जा भाई अब तुम्हें मार्क्स उसमें नहीं मिलेगा। आपको नहीं पता आपको मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एग्जामिनर देता है कि नहीं देता है, पर आप उस आंसर को लेके बहुत ही टेंशन में आ जाओगे और कल के एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाओगे। दोस्तों आप जाओ एग्ज़ाम हॉल से, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आप अपने दोस्तों साथ बात कीजिए, उनके साथ घूमिए, पर पढ़ने का टाइम जब आपका शाम होता है आप अपना एग्ज़ाम पे फोकस कीजिएगा जो आपका कल है। आपको बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करना अपने एग्ज़ाम से कि मैंने ऐसे लिखा वैसा लिखा, ठीक है। आपको आप बाहर की चीज़ें अलग चीज़ें का डिस्कशन कीजिए अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, पर आपको अपने आंसर सिर को लेकर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि वो बीत गया। अब आपको कल के जो एग्ज़ाम है उसकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके उस एग्ज़ाम को देना है और अच्छी तरीके से उस एग्ज़ाम के पेपर को क्लियर करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हम रोज़ाना आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और बेल आइकन दबाने से हमारी जितने भी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक आती रहेगी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी फेवरेट टिप नंबर कौन सी है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन 5 टिप को अच्छी तरीके से देखें समझें और उनका भी एग्ज़ाम अच्छी तरीके से क्लियर हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में।